हाँ तो गाइज, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आईफोन मोबाइल में यहाँ सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पर म्यूज़िक में आ जाना है। म्यूज़िक में आने के बाद आपने यहाँ पर चेक करना है साउंड चेक। साउंड चेक को आपने यहाँ पर ऑन कर देना है। उसके बाद ईक्यू आएगा। ईक्यू में आपके पास यहाँ पर ऑफ पे होगा, तो आपने यहाँ पर किस पे क्लिक कर देना है, लेट नाइट पे। लेट नाइट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर बैक पे आ जाना है। बैक पे आने के बाद आपने साउंड एंड हैप्टिक पे आ जाना है। साउंड एंड हैप्टिक इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हेडफोन सेफ्टी पे क्लिक करना है। रिड्यूस लाउड साउंड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर ऑन कर देना है। और यहाँ पर 85 डेसिबल नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर इसको क्या कर देना है, 90। 90 करने के बाद आपने इसको बैक पे आ जाना है। बैक पे आने के बाद इसी तरह ही आपने इसको कर देना है ऑफ। उसके बाद आपने इसी तरह एंड्रॉयड खोल लेना है। एंड्रॉयड मोबाइल में जो जो यहाँ सेटिंग बता रहा हूँ, इसकी इक्वलाइजर की सेटिंग आ रही है यहाँ पर, आपने जो जो सेट है आपने सेम टू सेम वैसे रख लेनी है। तो इससे आप लोगों का साउंड इंक्रीज हो जाएगा, और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि बिल्डिंग के टॉप पे बंदा है या मिडल में बंदा है या सबसे टॉप पे है या सबसे फर्स्ट फ्लोर पे है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जाकर लाइक ठोकाओ, और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। हम चलते हैं अब अपने वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रैक्टिकल किस तरह आप लोगों को साउंड सेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो आप लोगों ने हेडफोन पहन लेने हैं, उसके बाद आप लोगों को राइट लेफ्ट साउंड अच्छे तरीके से सुनाई देगा। जो वीडियो में देखना।